कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार देखें आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में दोपहर 2 बजे तक 173 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। डूंगरपुर में 64, जयपुर में 22, भीलवाड़ा में 22, उदयपुर में भी 15 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। बाड़मेर में 10, भरतपुर में 6, बीकानेर में भी 6, दौसा में 5 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पाली में 4, सीकर की अगर बात करें 4, बांसवाड़ा में 4, धौलपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। कोटा, नागौर और राजसमंद में 2-2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में 1-1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5375 हो चुकी है। दोपहर 2 बजे तक 173 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना संक्रमण कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, कोई आसार यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसी कड़ी में लगातार हर जिले से कोरोना पॉजिटिव लगातार मिल रहे हैं। और इसी के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5375 हो चुकी है। आज दोपहर 2 बजे तक 173 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, हर जिले से पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, तो किस प्रकार से क्या तमाम एहतियात फिलहाल और बढ़ती जा रही है क्योंकि लॉकडाउन का भी चौथा चरण आज से शुरू हो चुका है। बिल्कुल, लगातार प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और आज 2 बजे तक की बात करें तो 2 बजे तक 173 प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। बीते 5 दिनों से लगातार 200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, आंकड़ा लगातार अब बढ़ता नजर आ रहा है और प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब 5375 हो चुकी है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब प्रदेश में 133 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। बात करें तो प्रवासियों की, तो प्रवासी भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और अब तक 588 जो प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में जिस तरह से प्रवासी राजस्थान में आ रहे हैं वो पॉजिटिव मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें जो रिकवरी की, तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है और अब तक प्रदेश में 3072 जो कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक हो चुके हैं, साथ ही साथ में 2718 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो ये राहत भरी खबर यह कही जा सकती है। लेकिन एक्टिव केस जो लगातार है प्रदेश में वो बढ़ते जा रहे हैं और अब एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस में 2170 कोरोना के मौजूदा समय में प्रदेश में एक्टिव केस है। बात करें तो लगातार जो जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जयपुर में आज 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और जयपुर में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1598 हो चुकी है, करीब 1600 के करीब संख्या है ये जा चुकी है। जोधपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब 1036 हो चुकी है, हालांकि जोधपुर में अब तक कोई भी आधिकारिक जो आंकड़ा है वो आज का पॉजिटिव केस का वो नहीं बताया गया है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर में एक अचानक से आज 64 कोरोना पॉजिटिव सबसे अधिक जो सामने आए हैं और डूंगरपुर में भी 124 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। जिस तरह से लगातार जो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें डूंगरपुर, पाली, जालौर, सिरोही से तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक सामने आ रही है और वो पॉजिटिव मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो खतरा सबसे अधिक जो प्रवासियों को लेकर है वो नजर आ रहा है। लॉकडाउन 4 चालू हो चुका है और इस दौरान अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या तेजी से बढ़ना शुरू हो चुकी है, तो चिंता की जो बात है वो लगातार अब सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निर्देश दिए हैं कि लोग अब कोरोना के साथ जीने की अपनी आदत डालें और साथ साथ अपना बचाव खुद करें, ये एक तमाम जो बातें वो कही जा रही है क्योंकि कोरोना का जो कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन लगातार जारी रखना भी उचित नहीं कहा जा सकता और उसमें ऐसे में आम नागरिकों को, आम जनता को अपनी सुरक्षा खुद को करनी होगी। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करना सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो रहेगी। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।